So the first look that I was wearing, it was, you know, it was a casual stuff, a little English, I'll say, because off lately मैंने काफी दिनों से The Crown series follow करती आ रही हूँ और मैं काफी दिनों से सोच रही थी यार, you know, I'll wear something really smart and trendy and something princessy. So I thought I'll wear that. So I tried my first look, which was in blue dress. तो मैंने जो रीसेंट फ़ोटोशूट्स किए थे वो काफ़ी हॉट थे और काफ़ी सेक्सी थे, लेकिन ये वाला फ़ोटोशूट आई वॉन्टेड टू बी वेरी क्यूट एंड जो मैं लुक अचीव करने की कोशिश कर रही थी वो एक्चुअली ऑड्रे हेपबर्न का लुक है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँगी. एंड फॉर मी शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड शी इज़ वन ब्यूटिफुल वुमन. आई थिंक जो सारी एक्ट्रेसेस है वो सब उन्हीं को आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेती है. और जैसे काफ़ी लोगों ने, आई रिमेंबर लॉट ऑफ माई को एक्टर्स ऑल्सो ऑड्रे हेपबर्न का, उन्होंने यू नो फोटोग्राफ्स अपने पिलो कवर्स में बना के रखा या फिर वॉल पेंटिंग्स में रखा है. सो शी इज़ वन गोल्डन वुमेन एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई यू नो ट्राइंग वन ऑफ हर लुक्स एंड एज अ ट्रिब्यूट टू हर एंड द फैक्ट दैट आई रियली अडोर हर एंड शी इज़ अ लेगेसी, दैट्स वाई. फ़ोटोशूट्स आई थिंक अगर 25 दिन हम महीने के टीवी शूट करते हैं एंड आफ्टर दैट जो 5 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें एक दिन फ़ोटोशूट किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक 3-4 लुक के बाद मैं थक जाती हूँ. पर पहले 3-4 लुक के लिए आई एम सो पेप्ड अप एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैंने जो लुक प्लान किया है वो मेरे प्रीवियस फ़ोटोशूट से एकदम कॉन्ट्रास्ट में हो.